पाएंगे कि आसू के सुप्रीमो हैं और जो थर्ड फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो वो बात कर रहे हैं। आज जो सीएम का जो संवाद हुआ सदन के भीतर, उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है कि लास्ट टाइम उन्होंने 1932 को लेकर जो कहा, आज निश्चित रूप से आप ठीक समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आज सफाई दे रहे थे, उनके परसों के बयान पर आज सफाई देने का काम कर रहे थे और सफाई देते देते में भी वो जाते हैं। जिस बुनियाद पर, जिस विषय पर, जिस विषय को लेकर पूरे राज्य के लोगों में और नौजवानों में एक सपना दिखाने का, उन्हें इस राज्य के बुनियाद की पार्टी का दुहाई देके नौकरी देने का, स्थानीय नीति तय करने का, पुराने स्थानीय नीति को गलत बताने का आक्षेप लगा के जो लोगों को संगठित किया था, आज मुख्यमंत्री जी वही हाउस में खड़ा होकर उसकी सफाई देते बुन रहे हैं। उनको आज 1932 याद नहीं आ रहा है, उनको 2005 याद आ रहा है। 2005 के लतेहार में सर्वे हुआ, उस सर्वे की दुहाई देने लगे हैं। ये कौन सी मजबूरी आ गई? और ये गवर्नमेंट का ऐसा यू टर्न आज तक में मैंने नहीं देखा था। वो हर चीज को, जितने भी कमिटमेंट है, हर चीज को नए रूप से परिभाषित करने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमने नहीं कहा था कि 5 लाख नौकरी अगर नहीं देंगे, ये नौकरी नहीं लिखा गया था, रोजगार लिखा गया था, ये नौकरी लिखा हुआ है, रोजगार नहीं लिखा हुआ है, नहीं देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये नहीं होगा तो युवाओं को कहा गया था 5,000-7,000 देंगे, उसकी भी नहीं सफाई आ गई। वो आज तक मैंने उसका एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। गरीबों को घर देंगे, उसका जवाब नहीं आया। ये समान वेतन देने की बात रही, उसका जवाब नहीं आया। केवल जिसका कोई तर्क नहीं है, ऐसे तर्कों को देके किसी तरह से हाउस से निकल आप सकते हैं, स्पीकर साहब के ही से आप निकल सकते हैं, हाउस से निकल सकते हैं, जनता की अदालत से कहां जाइएगा? खतियान जिस बात को सभी लोगों ने नोट किया है, अभी आपको युवाओं के छाती में 1932 लिखा दिया हुआ चिढ़ रहा है, उनको आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि युवा क्यों छाती में 1932 लिख के घूम रहे हैं? ये आप ही ने उकसाया था, आप ही ने कहा था, और उनकी मौलिकता और उनका अधिकार है। उस अधिकार की जब वो चर्चा और बात कर रहे हैं तो आपको सोहा नहीं रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पार्टी के नेता 1932 का गाड़ी लेके घूमते हैं, आपके पार्टी के नेता 1932 का मोबाइल रखते हैं, ये आपको पता नहीं है? सार्वजनिक मंचों पर खड़ा होकर जब इन विषयों को आप बोल रहे थे तब इतना स्टडी क्यों नहीं किया? आप अभी हम लोग को स्टडी करके बता रहे हैं कि कब कब सर्वे हुआ। ये सर्वे अलग अलग कारणों से हुआ है, 2005 का लतेहार का सर्वे भी केवल जमीन के कारण से हुआ है। वो मूलतः आप अपनी बात पर आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि आपने लोगों को, झारखंड के नौजवानों को कमिटमेंट किया था कि मैं आऊंगा, खतियान आधारित हम यहाँ का स्थानीय नीति बनाएंगे, हम यहाँ का नियोजन नीति बनाएंगे। इस दोनों नीति से आप नए तर्क के साथ आप भाग नहीं सकते मुख्यमंत्री जी, इसका जनता को, इस राज्य को जवाब आपको देना ही पड़ेगा। आप अंदर कुछ बोल सकते हैं लेकिन बाहर खड़ा होकर जनता आपसे जवाब मांगेगी। जो विधायक है, नेता है, वो ये कह रहे हैं कि हम सर्वे सेटलमेंट पे बात कर रहे हैं, जहाँ जिस जिले में जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है 1932 अगर उस पर आधारित बनता है स्थानीय नीति, तो इससे तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने भी कल ये कहा कि 1982 हमने किया था, बीजेपी के लोग भी ये क्लियर नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं 1985 कट ऑफ होना चाहिए। सुदेश महतो क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूँ कि किस दिन किसने कहा था कि आप ये लाओ? आपने अपने पार्टी का एजेंडा आपने बनाया भाई साहब, आपको अच्छू ने नहीं बना दिया आपका एजेंडा, न भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, ये आपने अपना एजेंडा खुद बनाया। लोगों के पब्लिक डोमेन पर आप गए, आपने उनको संकल्प सुनाया, आपने उसका विश्वास जीता, अब विश्वास जीतने के बाद इसको पूरा करके दिखाइए, यही तो हम लोग मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री को ये भी दिखना चाहिए कि उसका तो स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया, लेकिन क्या आपको लोबिन सोरेन जी जिस रूप से हाउस के अंदर हाउस के बाहर बोल रहे हैं, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अगर सीता सोरेन जी कुछ बोल रही हैं तो उसका जवाब भी उनको देना चाहिए। इस तरह से बातें दल के लोग में कुछ हो, लेकिन दल की नीति नियत स्पष्ट है कि हम
स्थान इस राज्य के परिचय को हमेशा स्थायी रूप से हम लोग ने रखा है और लिखित हमारा ही दल एक है जो लिखित रूप से सार्वजनिक पटल पर सभी सार्वजनिक मीटिंग में ऑल पार्टी मीटिंग में चाहे इनकी सरकार रहे चाहे हमारी सरकार रहे हमेशा कहे हैं कि यहाँ का खतियान इसका आधार बने, अंतिम सर्वे सेटलमेंट इसका आधार बने। हमारा पहले से भी और आज भी वही दोहरा रहे हैं, हम बदल नहीं रहे, हम बोल के भाग नहीं रहे, हम मैदान में हैं और मुख्यमंत्री जी को भी अपने वायदे से पीछे नहीं हटाना चाहिए। अच्छा इसको कंटिन्यू, ये क्या अभी जो सीएम बोले हैं वो तो आप ही बात बोल रहे हैं ना, जो सर्वे सेटलमेंट उनका यही कहने का हुआ ना। नहीं, जो वो बोल के आए हैं वो उसका जवाब देना, यही बात तो वो बोले ना। 2005 में लतेहार की बात कर रहे थे, लतेहार की बात, वो कागज खोज रहे हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि 2005 में लतेहार में क्या हुआ था और किस लिए हुआ था, किस परिस्थिति के कारण वहां पर हुआ था।